वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। साल 2022 में साउथ इंडियन फिल्मों ने हिंदी बेल्ट में न सिर्फ अच्छा परफॉर्म किया बल्कि क्रिटिक्स और दर्शकों से खूब तारीफें भी हासिल की। KGF 2, RRR से लेकर ताजा रिलीज कंतारा को इनके कंटेंट के लिए बहुत सराहा गया। साउथ इंडियन लैंग्वेज की फिल्मों के प्रति इसी भरोसे ने OTT प्लेटफॉर्म पर भी इनके दर्शकों की संख्या में इजाफा किया और हिंदी बेल्ट में साउथ फिल्मों को जमकर देखा जा रहा है। जिन साउथ फिल्मों के हिंदी डब वर्जन रिलीज नहीं होते थे उन्हें सब टाइटल के साथ देखा जा रहा है। दिवाली की अब लंबी छुट्टियों में देखने के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कई साउथ फिल्में भी इस समय रिलीज होने वाली है। तो 19 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर फैंटेसी कॉमेडी फिल्म द स्कूल फॉर गुड एविल स्ट्रीम की जा रही है। ये आप लोगों को इंग्लिश में देखने को मिलेगी। इस फिल्म में सोफिया वाइल्ड, सोफिया एंड क्राउसो और लॉरेंस फिशबर्न अपने अब तक के सबसे खतरनाक रोल में नजर आने वाले हैं। वहीं इसके अलावा देखा जाए तो प्राइम वीडियो पर तेलुगु फिल्म अम्मू रिलीज हो रही है। ये प्लेटफॉर्म पर पहली तेलुगु ओरिजिनल फिल्म है। कार्तिक सुब्बराज इसके क्रिएटिव प्रोड्यूसर है जबकि चारुकेश शेखर ने फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है। इस ड्रामा थ्रिलर फिल्म में ऐश्वर्या लेक्ष्मी, नवीन चंद्र और सिम्हा जैसे एक्टर्स लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म आप लोगों को हिंदी में भी देखने को मिलने वाली है। वहीं 20 अक्टूबर को ओका ओका जीवितम रिलीज होने वाली है सोनी लिव पर। यह ड्रामा फैंटेसी फिक्शन फिल्म जो तमिल और तेलुगु में स्ट्रीम की जाएगी। लीड एक्टर्स की बात करूँ तो फिल्म में सर्वानंदन, आमला एकिनी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। वहीं 21 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर तेलुगु फिल्म लाइगर अब हिंदी लैंग्वेज में रिलीज की जाएगी। पहले ये फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ लैंग्वेज में रिलीज की जा चुकी है। अब इस फिल्म के बारे में क्या ही बात करें, विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे लीड रोल में थे। ये फिल्म बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस के लिहाजे से बनाई गई थी। माना जा रहा था कि ये फिल्म आते ही छा जाएगी बॉलीवुड पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि विजय देवरकोंडा फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस थे लेकिन उनके कॉन्फिडेंस पर पानी फिर गया। अगले फिल्म की बात करूं तो बिम्बिसार तेलुगु लैंग्वेज की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म जो Zee5 पर स्ट्रीम होने जा रही है। ये फिल्म अगस्त में सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। नंदमुरी कल्याण राम, कैथरीन ट्रेसा, संयुक्ता मेनन और प्रकाश राज इस फिल्म में लीड रोल में नजर आए थे। वहीं 23 अक्टूबर को रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फैंटेसी एडवेंचर फिल्म ब्रह्मास्त्र डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। हालांकि प्लेटफॉर्म की ओर से अभी इसकी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। 26 अक्टूबर की बात करें तो एक इंग्लिश फिल्म, हॉलीवुड फिल्म रिलीज होने वाली है द गुड नर्स। यह नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। यह ड्रामा क्राइम जॉनर की फिल्म है। फिल्म में जेसिका जस्टेन और एडी रेडमाइन ने लीड रोल प्ले करते नजर आएंगी। पहले आप लोगों को बता दूं कि ये फिल्म बहुत खास होने वाली है और बहुत ही अमेजिंग है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और अगर आपने ट्रेलर देख लिया तो फिल्म देखने जरूर जाएंगे नेटफ्लिक्स पर। वेल दोस्तों, ये वो लिस्ट है जो इस वीक रिलीज होने वाली है OTT प्लेटफॉर्म पर। अब इनमें से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और आप किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज।